हेलो फ्रेंड्स, भावना किचन एंड आर्ट में आपका स्वागत है। तो आज मैं गोभी पराठे की रेसिपी लेके आई हूँ। तो जाड़े का मौसम आ चुका है, सभी गोभी पराठा खाना पसंद करते हैं और गोभी भी अच्छा इजीली आसानी से मिल जाता है और दही धनिया का चटनी के साथ गोभी पराठा का टेस्ट दो गुना बढ़ जाता है। तो चलिए बिना देर के लिए गोभी पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गोभी ले लें, इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लें और उसके बाद इसको कद्दूकस के सहायता से अच्छी तरीके से कद्दूकस कर लें। और उसके बाद इसमें गोभी पराठा में डालने के लिए मैं एक बड़े साइज़ का प्याज ले लूँ, 4-5 हरा मिर्ची और ये इतना 25 ग्राम के लगभग हरा धनिया और सभी को बारीक से काट ली हूँ। और ये जो गोभी को मैं कद्दूकस करके रखी हूँ, इसका पानी अच्छे तरीके से निकाल लेंगे, नहीं तो क्या होगा कि पराठा बनाने के टाइम में ये गीला रहेगा और पराठा अच्छे से नहीं बन पाएगा। तो अब हम जो गोभी को कद्दूकस करके रखे हैं, देख सकते हैं कितना अच्छा ड्राई ड्राई हो चुका है, पानी इसका हम निकाल दिए हैं। तो अब हम इसको हाफ फ्राई कर लेंगे, ज़्यादा फ्राई भूजना नहीं है, हल्का सा ड्राई हो जाए और इसमें मसाला जो हम डालेंगे वो एब्जॉर्ब हो जाए तो हम इसको बंद कर देंगे। तो सबसे पहले कढ़ाई चढ़ा दिए, उसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे बस कि चिपके ना। और उसके बाद हम इसको हम देख सकते हैं इसी तरीके से चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। सबसे पहले हम इसमें डाल दिए तेल और घिसा हुआ गोभी डाल दिए हैं, अब हम इसको चलाते हुए फ्राई करेंगे। नमक हम अभी नहीं डालेंगे क्योंकि नमक डालने से पानी छोड़ने लगेगा और जब हम इसको उतार लेंगे ठंडा हो जाएगा तब हम इसमें नमक डालेंगे। और अब इसमें हम डाल दिए हरा धनिया और हरा मिर्ची जो बारीकी से काट के रखे थे मैंने, तो देख सकते हैं अब इसमें गया आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर और हरा मिर्ची भी डाले थे इसीलिए हम आधा चम्मच लाल मिर्ची डाले। आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो और डाल सकते हैं। और इसके बाद आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मैगी मसाला, गरम मसाला जो पसंद करते हैं वो डाल सकते हैं। और मैं लहसुन अदरक नहीं डाली हूँ, आप चाहे तो वो भी डाल सकते हैं। और ये घर का बना हुआ गरम मसाला था वो मैं डाली हूँ स्टफिंग में, तो देख सकते हैं अब ये मेरा हो चुका है। गोभी को बस इतना ही फ्राई करना है, ज़्यादा मैं नहीं पकाऊंगी। तो अब ये हो चुका है तो अब मैं आटा लगा लेती हूँ। मैं 1/2 किलो के लगभग आटा ली हूँ, इसमें 1 चम्मच अजवाइन मसल के डाली हूँ और इसको लगा के मैं आटे का डोर तैयार कर लूँगी। इसी जैसा नॉर्मल आटा रोटी के लिए आप तैयार करते हैं बस वैसा ही बनाएं, ज़्यादा हार्ड ना रखें। एकदम देख सकते हैं इस तरीके का आटे का डो बना के आप तैयार कर लें। तो चलिए देखिए, मैं अब इसमें नमक डाल दी, गोभी जो ठंडा हो चुका था तो इसमें नमक डाल के अच्छे से मिला लेंगे। और अब मैं मिलाने के बाद गोभी पराठा बनाना स्टार्ट करूँगी, एकदम बिल्कुल अच्छी तरीके से मिला लें। ये मिलाने के बाद देखिए, और जैसा नॉर्मल सब्ज़ी में आप नमक डालते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा डालें क्योंकि पराठा में ज़्यादा डालेंगे तब तो रोटी में वो नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग आएगा। तो लोई काट लिए, अभी इस तरीके से लोई बना लें और देख सकते हैं अब हम इसमें भरेंगे। जितना अच्छा स्टफिंग डालेंगे उतना बढ़िया पराठा बनेगा आपका। तो देख सकते हैं इसी तरीके से आप भर लें, इसी तरीके से सभी लोई को बना के हम तैयार कर लेंगे और बारी बारी से बेल के पराठा सेक लेंगे। एकदम हल्की हाथों से दबाते हुए पराठा को तैयार करना है, अगर आप तेज़ी से या जोर लगा के करते हैं तो पराठा आपका फट सकता है, इसीलिए आप आराम से हल्के हल्के हाथों से बना के तैयार कर लें।
अब मैं ये दूसरा पराठा बनाने के लिए लोई ले ली। अब इसमें भी स्टफिंग डाल के भर लूँगी। तो देखिए इसी तरीके से आप भी बनाएं। एकदम साइड साइड से दबाते हुए एकदम इसको भर लें। और इस तरीके से भरेंगे आप लोई बनाएंगे पराठा के लिए, तो एकदम कोने कोने तक स्टफिंग फैलेगा। और हो जाता है कि जो बिगनर्स होते हैं वो बनाते हैं तो बीच में आटा के जैसा रह जाता है और साइड साइड से स्टफिंग रहता है। तो इस तरीके से आप अगर लोई बनाते हैं तो आपका परफेक्ट पराठा बनेगा। बिगनर्स हो या कोई भी बनाए तो इस तरीके से बनाए तो अच्छा पराठा बनेगा और सभी बहुत तारीफ करेंगे और आपका फूला फूला पराठा बनेगा। तो देख सकते हैं इसी तरीके से एकदम हल्के हाथों से पराठा बेलना है। इसी तरीके से हम बना लिए हैं। तो देख सकते हैं पराठा मेरा बनके तैयार, बेल के तैयार कर रही हूँ। अब मैं सेक लूँगी। स्टफिंग को ठंडा होने दे, नहीं तो अगर गर्म रहता है आपका स्टफिंग और आप भरते हैं तो आपका पूरी गोभी का पराठा फट सकता है। तो इसी तरीके से एकदम आराम से हल्के हाथों से बनाए। तो मैं पराठा बेल चुकी हूँ और अब मैं सेक लेती हूँ। एकदम मीडियम आंच पे सेकना है, ज़्यादा हाई फ्लेम करेंगे तो ऊपर से तो जलने लगेगा लेकिन अच्छे से पकेगा नहीं। तो तवा गर्म हो चुका है, अब हम इस पे डाल दिए पराठा और एकदम मीडियम फ्लेम पे इसको पकने देंगे। और ये एक साइड हो चुका है, इसको पलटा दिए। अब हम इस पे ये गोभी के पराठे में ज़्यादा तेल या रिफाइंड का यूज नहीं होता है, आप कम तेल में भी इसको बना सकते हैं। आप चाहे तो तेल डालें या नहीं तो घी रिफाइंड जो आपको अच्छा लगता है उसमें बनाएं। सभी में गोभी का पराठा बढ़िया बनता है। तो मैं रिफाइंड ऑयल के साथ बनाई हूँ। तो देख सकते हैं पराठा सीख चुका है। अब हम इस पर इसी तरीके से दोनों साइड से तेल लगाते हुए एकदम मीडियम फ्लेम पे सेक लेंगे। तो देख सकते हैं कितना अच्छा पराठा मेरा बनके तैयार हो चुका है। एकदम बिल्कुल कम तेल में आपका बन सकता है, बनेगा पराठा आपका। इसी तरीके से आप सभी पराठे को सेक के तैयार कर लें। और अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं पराठा बना के तैयार कर लूँ। देख सकते हैं कितना अच्छा पराठा बना है। तो चलिए अब मैं थाली लगाती हूँ। गोभी का पराठा के साथ दही, चीनी, धनिया का चटनी और टोमेटो केचप और स्प्रिंकल ऑनियन के साथ, तो इसका मज़ा दो गुना बढ़ जाता है। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।